Hey guys, welcome back to my channel. आज के व्लॉग में आपको शायद पता तो लग ही गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं. हम जा रहे हैं उत्तराखंड. तो चलो पैकिंग करते हैं, मिलते हैं पैकिंग के बाद. पैकिंग वगैरह सब हो गया है, बुलेंस वगैरह रख लिए, सब आ गया है, चेक कर लिया है, चार्ज वहाँ सब कंप्लीट हो गया है. पिन डाल के सोंगे, पिन बता बोल उसको, पिन बोल. और भाई दो ही शब्द सही है इसके. तो खुल गया, खुल गया. आजो आजो तो हम रुके हैं यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए. ये है हमारे गुड्डू भैया. दोस्तों थोड़ी थोड़ी पनीर हो जाए. लो हो जाए हो जाए. ये है धीरज. हेलो. बॉडी ज्यादा दिख रही है ना इसमें. बॉडी जब से आया हूँ ना मैं तेरी फोटो ही ले रहा हूँ. नहीं, यहाँ से मतलब अभी बस पहले ऋषिकेश. नहीं नहीं, बस उससे पहले रुकेगी एक ढाबे पे, वहाँ आया बोलते अब निकल रहे हैं हम. खाना वगैरह सब हो गया हमारा. क्यों भाई गुड्डू भैया चले बैठे बस में. चलो भाई चलो 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 चलो. पढ़ाओ मैं दरी निकले. तो ऋषिकेश टेम्पू तो अभी हम उतरे हैं ऋषिकेश का बोर्ड. तो अभी हम भूल नहीं आ रहे हमारा होटल. देखो भूल रहे हैं यार हमारा समय. ग्रंथालय में रुक जाएंगे. गेस्ट हाउस. ओ गेस्ट हाउस. आइए गाइस आइए. होटल की बुकिंग हमने कर दी है. वेटिंग है यहाँ पे होटल में. देखो कब तक हमको रूम मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग चल रही है रूम्स की. शायद हमारा 12 बजे ही चेक इन हो पाए. क्या हाल है गुड्डू भैया के. लाओ यार अपना चेहरा वाला दिखा दो यार. गाड़ी के नीचे हो जाओ. हेलो ब्लॉगर हमारे ट्रैवलर साहब निखिल जी. इनको ये भी पता है चाय की दुकान का है, लेके जा रहे बस हमको. और अच्छी चाय. धीरज आ गया यार. ये देखो ओहो एनिमल लवर. ये मोटे होट लवर. इसको लिख पूजा का दीवाना. ये लिख दे नीचे. लिख दे लिख दे लिख दे लिख दे. और यहाँ पे हम आए हैं सस्ता स्टारबक्स. ये रहा भाई. ये देखो हमारे नए पार्टनर से बात कर रहे हैं. क्या बोल रहा है भाई वो. क्या बोल रहा है. हमारा यहाँ से पौली जाने का प्लान बन रहा था. हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सब बाइक वगैरह जो रेंट पे मिलती है उनसे. आधे यहाँ लोगों के पास तो 5-5 तारीख तक की बुकिंग है. तो देखो कौन सी बाइक हमको मिले, क्योंकि यहाँ पे इनको ही पता होता है सारा रूट वगैरह से किस तरीके से जाना है, किधर से निकलना है. और यहाँ से पहुँचने में 3 दिन लगेंगे हमारी. तो मतलब यहाँ से 1.5 दिन में पहुँच जाएगा, 1.5 दिन वापस आने के. तो ये हमारा पूरा रूट बनाएंगे कि कौन कौन सी प्लेस बीच में हमको रुकनी है, कहाँ कहाँ जो अपना घूमने की ट्रैकिंग की जगह है वो देख के ऐसे हमारा रूट डिसाइड करेंगे.
कोई इशू होगी कि हम बिना आपको लेना है आपको नहीं लेना और विदाउट राइड चलते हैं विदाउट राइड चलते हैं तो क्या सीन है एक ही रोड है अपने कितने पैसे बच गए मैंने क्या बोला हजार 100 रुपये मिला के 100 पाइपर्स की बोतल आ जाएगी समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो तो हमारी बाइक का अरेंजमेंट हो गया है तो कल हम निकलेंगे ओली के लिए 3 दिन का ये ट्रिप है तो कल 7 से 8 बजे के करीब हम निकलेंगे आज का दिन हम यहाँ ऋषिकेश में ही स्पेंड करेंगे ये हमारा होटल है तो अभी हम रूम में चेक इन वगैरह करके बाहर निकले हैं कुछ खाने के लिए तो यहाँ प्लान तो आलू के पराठे खाने का बन रहा है पत्ते खाने पराठे नहीं समझते हो नोड़ू चाबी ले गया अपन से यार ये चाबी को देता है चाबी यार तो मना करा है ना चाबी मत दिया अरे यार उसने चड्ढा समझाओ इसे समझाओ ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं बहुत नशे हो गए बहुत नशे हो गए एक आदमी को गाइस बिना पिए स्प्राइट के नशे क्या होते हैं इस आदमी से पूछे देखो 3 बार स्लिप हो गया है ये देखो 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 गाइस देखा गाइस दिस इज लाइव एग्जांपल आई नो माय इंग्लिश इज वेरी गुड अब यहाँ पे हम आंटी के थैंक यू सो मच विद बर्थ की थर्ड फॉर्म दिस इज 5 स्टार 5 स्टार से भी ज्यादा 7 स्टार दिस डाबा इज प्राइसलेस एंड प्रीशियस समझ रहे हो तो आज शायद ही हमारा उत्तराखंड घूमने का हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे मौसम बिगड़े जा रहा है धीरे धीरे तो अगर ठीक है मौसम ठीक होता है तो हम निकलते हैं वापस नहीं तो अभी तो होटल में ही रुकना पड़ेगा A few moments later अब निकले हैं हम मार्केट वगैरह देखने क्योंकि दिन में तो बारिश आ गई थी जिसकी वजह से हम कहीं बाहर नहीं जा पाए और अभी हमारी बाइक्स भी अरेंज हो जाएगी उसके बाद में हम कल निकलेंगे 7-8 बजे के आसपास ओली के लिए जहाँ पे बीच में बहुत सारी प्लेसेस भी आएगी 3 दिन का ये ट्रिप है वहाँ रुकते हुए हम जाएंगे
दो प्लेट मोमोज दे दो। कैसा लग रहा है आपको लक्ष्मण झूला पे जाके धीरज भाई? यार क्या ही बताऊं, फुल बॉडी पंप हो रही है। ये चाय नहीं, रुक, कहां से आते हैं ये? अभी बाइक्स वगैरह अभी हमको मिल गई है, क्योंकि सुबह हमको जल्दी निकलना होता है, इस वजह से इनकी शॉप खुलती नहीं है इतनी जल्दी। तो ये रही हमारी बाइक्स, दो बुलेट है 350, इन्होंने हमको दी है बाइक। ये हमें रूट वगैरह सब समझाएंगे, कहाँ कहाँ कैसे वगैरह जाना है, किधर रुकना है, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो बाइक्स का जो भी है फॉर्म वगैरह फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी करके हमको देने वाले हैं। तो अभी निकलते हैं, थोड़ा रात को घूमते हैं बाइक से, खत्म हो गए, फिर दोबारा आपको करवाना इसलिए मिलेगा बिल्कुल। हेलो भैया, इन भैया से हमने बाइक ली है, इन्होंने हमें अरेंज करी है बुलेट 350। तो कभी भी आपका उत्तराखंड इधर आने का प्लान हो, बाइक से घूमने का प्लान हो, तो आप भैया से ज़रूर कांटेक्ट करें, बहुत रीजनेबल प्राइस पे आपको ये बाइक्स अरेंज करा देंगे। सो आप प्लीज़ इनसे कांटेक्ट करें, ये कृष्णा हॉलीडेज के नाम से इनका वो है टूर एंड ट्रैवल्स का। ठीक है भैया, ठीक है, ज़रूर, ओके सर, अच्छी लगी आपकी वॉइस। होटल के रूप में कैफे है, वहाँ हमारे जाने का प्लान था लेकिन वो बंद हो गया। अभी हम रूम में बैठ के चिल करेंगे और रेस्ट करेंगे, क्योंकि कल ओली के लिए निकल रहे हैं। तो करते हैं तैयारी ओली के लिए, तब तक के लिए आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई लव यू, लव, बाय।